ग्वालियर में एक बार फिर नाथूराम गोडसे की जयंती मनाने को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने नाथूराम गोडसे के जन्मदिन मनाने पर आपत्ति जाहिर की है और FIR दर्ज करने की मांग की है। ग्वालियर में नाथूराम गोडसे के जन्मदिन मनाने को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने हिंदू महासभा द्वारा मनाई गई नाथूराम गोडसे की जयंती पर विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर हिंदू महासभा ने कहा है कि उसने 1945 से देश के विभाजन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नाथूराम गोडसे को एक पुण्य आत्मा बताते हुए हिंदू महासभा के नेता जयवीर भारद्वाज ने कहा कि महात्मा गांधी की हत्या में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई थी, लेकिन नाथूराम गोडसे ने देश के विभाजन से दुखी होकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया था, क्योंकि इसमें 10 लाख से ज्यादा हिंदू लोग मारे गए थे। हिंदू महासभा के कार्यकर्ता ने इस मौके पर लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राशन वितरित किया। कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया, भारत और पाकिस्तान का निर्माण कराया। हिंदू महासभा ने 1945 से इसका विरोध किया था कि जो है देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश की आज़ादी में हिंदू महासभा, कांग्रेस, वामपंथी, मुस्लिम लीग लड़ रहे थे। उन्होंने देश के अंदर अनेकों क्रांतिकारी बलिदानी दिए, बलिदानियों क्रांतिकारियों के कारण देश को आज़ादी मिली, लेकिन उसको जो है महात्मा गांधी जी ने अपने क्षणिक निर्णय से देश का विभाजन करा दिया, जिसके कारण हिंदू मुसलमानों में भयंकर कत्लेआम हुआ और 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम कराया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में नाथूराम गोडसे ने ये संकल्प लिया कि मैं इसका विभाजन कराने वालों का जो है संकल्प लेता हूँ कि उनका वध करूँगा, और उस परिस्थिति में उसका प्रतिकार करने के लिए, विभाजन का प्रतिकार करने के लिए हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी ने ये कार्य किया। आज हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी की 111वीं जयंती है। हिंदू महासभा ने ग्वालियर के अंदर 3000 से अधिक चित्रों को वितरित करते हुए अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का और लॉकडाउन का जो है पालन करते हुए, जैसा कि आपने बताया कि आज कुछ विकृत मानसिकता के लोगों ने, कुछ दल, एक दल विशेष ने नाथूराम गोडसे की जयंती मनाई। देखिए कितनी दुखद बात है, मैं बहुत दुखी हूँ, क्रोधित हूँ, क्षुब्ध भी हूँ कि किस प्रकार से हमारे देश में ऐसा व्यक्ति जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा था उसकी जयंती मना सकते हैं। हम किस मानसिकता को आज बल दे रहे हैं, आज जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो किस मानसिकता को बल दे रही है। इसी प्रकार इन्हीं लोगों ने 2017 में नाथूराम गोडसे की मूर्ति की स्थापना भी की, मैं उसकी भी भर्त्सना करता हूँ। और आज शिवराज सिंह जी अपेक्षा करता हूँ कि वे ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करें, और इससे आगे की बात देखिए किस प्रकार की विकृत मानसिकता के लोग ये हैं। आपने देखा विगत दिवस हमारे ग्वालियर में एक हृदय विदारक अग्निकांड हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 7 से 8 लोग काल के गाल में चले गए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।